Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, hi, I am Sustava Roy and welcome to another video. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही simplistic everyday makeup look share करने वाली हूँ. And हर किसी का अलग अलग everyday go to look होता है and मेरा भी अलग है. So आज मैं अपना personal go to look share करने वाली हूँ. आप चाहो तो इसे try कर सकते हो and it will look amazing on you guys also. So yeah, without a further ado, let's get started. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा लोटस प्रोफेशनल का डे क्रीम. ये मेरा मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन दोनों का ही काम कर देता है. और अगर आपके पास कोई अलग से डेडिकेटेड डे क्रीम ना हो, आप पहले मॉइस्चराइजर और फिर उसके ऊपर से सनस्क्रीन ज़रूर से ही अप्लाई कर ले, क्योंकि आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग या फिर किसी काम से आप बाहर जा रहे हो, सो आपका स्किन टैनिंग होने का चांसेस बहुत हाई रहता है. सो टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम टैनिंग, बहुत अच्छे से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही आप अप्लाई करिए, ताकि आपका स्किन अच्छा रहे, हेल्दी रहे. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन. और यहाँ पे मैं बहुत ही कम अमाउंट में फाउंडेशन यूज़ करूँगी, सिर्फ अपने अंडर आइज पे और अपने आईलिड्स पे और थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे मेरे पिंपल के डार्क स्पॉट्स है, सिर्फ उसी जगह पे मैं अप्लाई करूँगी, ताकि कुछ भी एक्सेस ना लगे स्किन पे और आपका स्किन भी बहुत सटल प्रेजेंटेबल भी लगता है. सो अगर आप चाहो तो इस तरह से अपना कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो थोड़े थोड़े अमाउंट में अपने डार्क स्पॉट्स और अंडर आइज पे, लेकिन मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो टू फिल इन माय आईब्रोज. और बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और सिर्फ जहाँ जहाँ पे थोड़े से मेरे स्पार्स एरियाज़ है, सिर्फ उसी जगह पे मैं अप्लाई करूँगी और अच्छे से एक स्पूली लेके अपने आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी, ताकि लुक जो है वो अच्छा आए. रेगुलर बेसिस पे मैं कभी भी आईब्रो पोमेड ज़्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ और बेसिकली इसी तरह से अपने आईब्रोज़ को मैं ब्लैक आई शेडो की मदद से ही फिल इन करती हूँ. सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर. और अगर आप भी सोच रहे हो कि कोई अच्छा कॉम्पैक्ट आपको ख़रीदना है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट. इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इसे हर रोज़ यूज़ करती हूँ जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. इनफैक्ट ये कॉम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड काइंड ऑफ स्वेट प्रूफ भी है, और हर मतलब बहुत टाइम के बाद भी ये आपके फेस में एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है. सो या आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट है मैटर ऑफ चॉइस कि आपको क्या लगाना है. इधर आप काजल लगाइए और आईलाइनर. सो किसी किसी को आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है और किसी किसी को काजल, जैसे कि मैं, लाइक आई एम अ काजल फैन. लाइक मैं कहीं पे भी बाहर भी नहीं जाती हूँ तो मुझे घर पे ही काजल लगा के रखना बहुत पसंद है और मैं हमेशा काजल ही अप्लाई करती हूँ. सो या अगर आप आईलाइनर लगाना चाहते हो, सिंपल एक विंग लाइनर और सिंपल लाइनर अप्लाई करके आप बाहर जा सकते हो, और आप मेरी तरह काजल अप्लाई कर सकते हो. और मुझे हमेशा ही काजल को थोड़ा सा थिक करके अप्लाई करना अच्छा लगता है. आई लव द ड्रामेटिक लुक. मुझे ये ड्रामेटिक लुक वाला आईज़ बहुत पसंद है ऑन अ डेली बेसिस. सो या मैं थोड़ा सा थिक करके ही काजल को अप्लाई करती हूँ, इससे जो आईज़ है उसको एक बिगर लुक भी मिलता है. सो आई अप्लाई इट इन दिस वे. थिन करके भी काजल को अप्लाई कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट मुझे ऐसे करके पसंद है. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आपके आईज में भी ये एक बहुत अच्छा लुक देगा. सो नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग मस्कारा. सो कभी कभार मैं मस्कारा को स्किप कर देती हूँ, लाइक अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो. एंड अगर आपके पास भी टाइम कम रहता है, सो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस, बट टाइम है तो आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो. इट रियली गिव्स योर आईज अ ग्रेट लुक. नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ ब्लश. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का एक पिंकिश टू ऑरेंजिश एक लिपस्टिक, जो कि मैं पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं इस लिपस्टिक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसे ही मैं अप्लाई करती हूँ अपने ब्लश की तरह.
और थोड़ा सा अप्लाई करके मैं उसे फिंगर से ब्लेंड कर देती हूँ। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ शिवाना का हाइलाइटर और मैं बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने स्किन में अप्लाई करने वाली हूँ और यहाँ पे मैं अपने फिंगर टिप्स के मदद से बहुत ही अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लूँगी और ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगे। एंड या इससे अप्लाई करने से आपका स्किन बहुत ही ग्लोई और अच्छा लगता है, एक सर्टेन ग्लो आता है स्किन में, सो इट लुक्स वेरी नाइस। सो आप अपने फेस के हायर पॉइंट्स पे इस तरह से हाइलाइटर को अप्लाई कर ले अच्छे से। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा पुश एंड पॉप लिपस्टिक। एंड इस लिपस्टिक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पे और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो सो गो एंड वॉच इट राइट नाउ, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ एक न्यूट पिंक कलर का शेड फ्रॉम दिस लिपस्टिक इटसेल्फ। इस लिपस्टिक का जो टेक्स्चर एंड फॉर्मुलेशन है बहुत ही क्रीमी है एंड आपके लिप्स को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर डे टू डे यूज़। It looks so great on my skin tone also. So yeah, you can use this kind of shades for everyday purpose and it will look great on yourself. Like nude colors are the best. सो लास्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे फ्रॉम हुडा ब्यूटी। अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हो सो मेकअप सेटिंग स्प्रे इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो एंड यू वांट योर मेकअप टू बी लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ। सो मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपका जो मेकअप है वो इंटैक्ट रहता है, लॉक हो जाता है आपकी स्किन में एंड आप 6 to 8 hours ईजिली इस मेकअप लुक को कैरी कर सकते हो ऑल द डे थ्रू। सो आपका जो लुक है वो ख़राब नहीं होता है एंड दिस वर्क्स ग्रेट ईच एंड एवरी टाइम। जब कभी भी मैं बाहर जाती हूँ आई ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ द सेटिंग स्प्रे और फिर इसको ऊपर से मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ और अच्छे से डैप करती हूँ ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो मेरे स्किन में अच्छे से सेट हो जाए एंड इट गिव्स एन अमेजिंग फिनिशिंग लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। सो आप देख सकते हैं कि कितने मिनिमम प्रोडक्ट से ही मैंने ये फ्लॉलेस ग्लोइंग सॉफ्ट एक एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट किया है विच डेफिनेटली मेक्स यू लुक प्रेजेंटेबल एंड नॉट टू हैवी ऑन योर स्किन एट द सेम टाइम। सो या आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा है आपको ये वाला लुक। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू subscribe to my channel and also hit the bell icon to get the notifications as soon as I upload new ones. Thanks for watching.